हेलो नमस्कार नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सरस्वती एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं सुनील कुमार आप सभी का एक बार फिर से हिस्ट्री क्लास में स्वागत करता हूं। और जैसा कि हमने पिछली क्लास में किया था खिलजी डायनेस्टी, और उसका कुछ पार्ट अभी रह गया था, अभी हाफ हमने किया है उसको। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, और अलाउद्दीन खिलजी के ही मैंने आपको कराए थे लगभग उत्तर भारत के सारे अभियान, क्योंकि सबसे ज़्यादा आर्मी मिशंस जो करने वाला जो सुल्तान हुआ है सल्तनत काल में, वो अलाउद्दीन खिलजी हुआ है। और अलाउद्दीन खिलजी देखिए, मैंने आपको बताया था कि शुरुआत परोपकार से हुई थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि उसका जो आतंक है वो जनता के अंदर बैठना शुरू हो गया। और ना सिर्फ बैठना शुरू हो गया बल्कि वो महसूस करने लगे कि इसके राज में अगर रहना है तो बड़े ध्यान से बड़े संभल के रहना पड़ेगा, वरना किसी भी समय पनिशमेंट मिल सकती है। तो दोस्तों आज हम शुरू करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी में ही हमने दक्षिण भारत अभियान किए थे, उत्तर भारत अभियान किए थे, आज हम करेंगे साउथ इंडिया साउथ इंडिया मिशन यानी कि दक्षिण भारत अभियान। देखिए, मैंने आपको बताया था कि पहला ऐसा सुल्तान सल्तनत काल का जिसने दक्षिण तक अपना साम्राज्य जो है विस्तार किया, और इस दक्षिण में इसके साम्राज्य विस्तार करने की जो शुरुआत थी वो सबसे पहले उस वक्त हो गई थी जब ये कड़ा का इक्तेदार हुआ करता था। जब ये कड़ा का इक्तेदार था उसी समय इसने सबसे पहले अपने चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को बताए बिना ही इसने देवगिरी पर आक्रमण किया था, और देवगिरी पर आक्रमण करके उसकी अकूत धन संपत्ति को लूट कर ये कड़ा ले आया था, जिसकी खबर लेने के लिए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जब गया तो इसने धोखे से उसकी हत्या करवा दी। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, दक्षिण भारत के उसके अभियान। तो पहला ही अभियान उसने शुरू किया कब, 1296 ईस्वी में, कौन सा, देवगिरी का अभियान, देवगिरी अभियान। इस देवगिरी अभियान में मैंने आपको बताया था कि शासक कौन था, देवगिरी का जो शासक था वो था रामचंद्र देव। किस वंश का था आपसे पूछ सकते हैं, तो ये यादव वंश का था, यादव वंश का शासक था, और इसी को लूटा किसने, जो सेनापति था सुल्तानों का वो स्वयं अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, इस अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहला ही अपना दक्षिण अभियान किया शुरू कहां पर, देवगिरी के, महाराष्ट्र के देवगिरी में। और इस अभियान के दौरान ना सिर्फ इसने इसकी संपत्ति लूटी देवगिरी की, बल्कि एक एलिचपुर प्रांत हुआ करता था, उस एलिचपुर प्रांत का जो टैक्स था वो कर दिल्ली सल्तनत को मिलना था कब से कब तक, 1296 से लेके 1307 तक उसने दिया, ये 1296 से 1307 तक ये टैक्स जो है पे किया, ठीक है जी। दूसरा जो अभियान 1307 में, 1307 ईस्वी में, 1307 ईस्वी में देवगिरी के रामचंद्र देव ने ये जो एलिचपुर का टैक्स था ये देना बिल्कुल बंद कर दिया, और उसने बगावत की किसके खिलाफ, दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ। तो यहां पर इसने द्वितीय या सेकंड देवगिरी मिशन किया, और इस देवगिरी मिशन में, सेकंड देवगिरी मिशन इसने किया, और इसमें ये रामचंद्र देव को बंदी बनाकर कहां पर ले आया, दिल्ली ले आया। जब ये दिल्ली लेकर आया तो यहां पर रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन खिलजी से माफी मांगी, और माफी मांगने के बाद उसने कहा कि मैं अलीचपुर का टैक्स जो है वो कंटिन्यू करता हूं, आप मुझे छोड़ दीजिए। उसने
उसकी माफ़ी को स्वीकार किया, ना सिर्फ स्वीकार किया बल्कि उसे राय रायन की उपाधि देकर उसे वापस उसका राज्य देवगिरी लौटा दिया। तो ये था उसका सेकंड या दूसरा देवगिरी अभियान, जिसमें कौन पराजित हुआ? रामचंद्र देव। ठीक है, रामचंद्र देव। और अगर हम बात करें कि इसका जो सेनापति था, वो सेनापति था मलिक काफूर। सेनापति था मलिक काफूर। ये वही मलिक काफूर है जिसे हजार दिनारी के नाम से भी जाना जाता है, और बहुत ज़्यादा विश्वास पात्र था किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। जो सेनापति था वो कौन था? मलिक काफूर। और प्यारे बच्चों, आप सबको जानकर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दक्षिण भारत के जितने भी अभियान हैं, जितने भी अभियान किए गए, उन सब में सेनापति मलिक काफूर था, किसी में भी अलाउद्दीन खिलजी नहीं गया। और यही ऐसा व्यक्ति था जिसने सारे के सारे मिशंस को अंजाम दिया मलिक काफूर ने, और ना सिर्फ अंजाम दिया बल्कि वो जीत कर लेकर आया। अगर हम इसके तीसरे अभियान की बात करें, इसका जो तीसरा अभियान था वो इसने किया था, तीसरा देवगिरी मिशन 1313 ईस्वी में इसने तृतीय देवगिरी अभियान किया, लेकिन इस बार शासक जो था तीसरा अभियान किया, ये 1313 ईस्वी में इसने देवगिरी महाराष्ट्र का ही तीसरा अभियान किया। और इस तीसरे अभियान में जो शासक था वो सिंघण तृतीय था। शासक की बात करें तो था सिंघण तृतीय। सिंघण थर्ड। और सेनापति आप अच्छी तरह से जानते हैं कौन? मलिक काफूर। और इसमें क्या किया इन्होंने? इस बार देवगिरी को में सिंघण को पराजित करके देवगिरी को भी दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। चौथा अभियान अगर हम इसकी बात करें तो 1309 ईस्वी में वारंगल अभियान किया। 1309 ईस्वी में वारंगल अभियान किया। वारंगल अभियान में शासक की अगर हम बात करें तो जो वारंगल का शासक था प्रताप रुद्रदेव। और खिलजी सेनापति कौन था? मलिक काफूर। मलिक काफूर भाई प्रताप रुद्रदेव को भी पराजित किया मलिक काफूर ने, और वारंगल को। वारंगल कहां पर है? वारंगल है तेलंगाना, आज का जो तेलंगाना है उसे ही वारंगल कहा गया है। तेलंगाना को ही वारंगल कहा गया। तो प्यारे बच्चों, इस अभियान में हम दक्षिण भारत के अभियान अलाउद्दीन खिलजी द्वारा पढ़ रहे हैं। इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा 1296 का देवगिरी का पहला अभियान, जब इसने किया था, जब ये कड़ा का इक्तेदार हुआ करता था। 1307 में दूसरा मिशन किया। 1313 में इसने तीसरा मिशन किया, और तीसरे मिशन के बाद इसने देवगिरी को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। देवगिरी को दिल्ली सल्तनत में मिलाने के बाद 1309 में इसने एक अभियान को अंजाम दिया था जिसे वारंगल या तेलंगाना का अभियान कहा गया है। इस अभियान में प्रताप रुद्रदेव वहां का शासक हुआ करता था, जिसको मलिक काफूर ने पराजित करके वारंगल को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। इसके बाद द्वारसमुंदरम का 1310 ईस्वी में इसने द्वारसमुंदरम के अभियान को अंजाम दिया, और इसमें भी जो शासक था
वो था वीर होयसाल वंश का वीर बल्लाल देव। शासक था वीर बल्लाल देव और वंश था होयसाल वंश। इस वंश का शासक था वीर बल्लाल देव और खिलजी सेनापति मलिक काफूर। मलिक काफूर, मैंने आपको बताया कि दक्षिण भारत के सारे अभियानों को अंजाम देने वाला एक ही सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का, जिसको बेहतर तरीके से विश्वास करता था। ना सिर्फ विश्वास करता था बल्कि ये जो था ये बहुत ही समझदार, बहुत महत्वाकांक्षी और पूरी तरह से अपना एक अलाउद्दीन खिलजी का विश्वास पात्र था, जिसने सारे अभियान को अंजाम दिया और ना सिर्फ अंजाम दिया बल्कि जीत कर बहुत सारे प्रांतों को दक्षिण के दिल्ली सल्तनत में मिलाया। इसलिए इसका जो शासन था वो समुद्र के किनारे समुद्र तक पहुंच गया था। और ऐसा कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने ही सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। और सिकंदर सानी का मतलब होता है दूसरा सिकंदर। दूसरा सिकंदर कौन? पहला सिकंदर जिसने पूरी दुनिया को जीता और विश्व विजेता कहलाया, उसने जब झेलम नदी के किनारे पर आया था तो सामने की जमीन दिखाई नहीं दे रही थी। जब सामने की जमीन दिखाई नहीं दे रही थी तो उसने सोचा कि आगे दुनिया खत्म हो गई है। इसीलिए उसने कहा कि एक ही दिशा में अभियान करते करते वो ऐसी जगह पहुंच गया जहां पर जमीन नहीं है, इसलिए उसने उसे विश्व विजेता कहा गया। इसी तरह से दक्षिण भारत तक अपने अभियान को अंजाम दिया किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। और आगे की जमीन उसे दिखाई नहीं दी तो उसने भी अपने आप को विश्व विजेता कहा। और ना सिर्फ विश्व विजेता कहा बल्कि उसने सिकंदर सानी यानी दूसरे सिकंदर की उपाधि धारण की। ठीक है, अगला जो अभियान था इसका 1311 ईस्वी में पांड्य अभियान। 1311 ईस्वी में पांड्य अभियान, शासक था वीर पांड्य और सेनापति अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर। और इस अभियान को भी जीतकर पांड्या को भी दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। जब ये सारे अभियान पूरी तरह से अंजाम दिए मलिक काफूर ने तो सिकंदर सानी की उपाधि धारण की अलाउद्दीन खिलजी ने। और अमीर खुसरो ने इसे कहा सुल्ताने जहां। अमीर खुसरो ने इसे कौन सी उपाधि दी? सुल्ताने जहां। सुल्ताने जहां की उपाधि दी किसने? अमीर खुसरो ने। तो इस तरह से अभियान। और आपको बता दूं कि कोहिनूर का जो हीरा था, जो डायमंड था, जिसे हम कोहिनूर डायमंड कहते हैं, ये इसने प्राप्त किया था प्रताप रुद्रदेव से। प्रताप रुद्रदेव से ही इसने हीरा जो है वो प्राप्त किया था। तो इस तरह से ये हीरा है वापस पहुंचा था कहां पर? यहां से प्राप्त करके ये उत्तर भारत की तरफ गया था। तो यहां पर हमारा दक्षिण भारत अभियान समाप्त होते हैं। और दक्षिण भारत अभियान समाप्त होने के पश्चात हम इसकी जो मार्केट पॉलिसीज थी, इसके जो टैक्सेस थे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने जनता पर कौन कौन से टैक्स लगाए, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या 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 जो है वो फेरबदल किए शासन में, प्रशासन में, और नई नई चीज़ें क्या लगाई, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए दक्षिण भारत के अभियान, मलिक अलाउद्दीन खिलजी ने जो जो किए, और इन सब में से क्वेश्चन हमेशा से पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, अलाउद्दीन खिलजी का टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक में आप इसको, इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए। जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरा सिलेबस जो है वो अच्छे से क्लियर होगा। और कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाए दिल्ली सल्तनत से, तो
तो आप उसका आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो मैं आपको जो करा रहा हूँ वो एक तरह से स्पेशल सी करा रहा हूँ ताकि कोई भी क्वेश्चन जो है वो छूटे ना। भाई इसने सबसे पहला काम क्या किया, 1304 ईस्वी में मंगोलों के जो है वो आक्रमण हो गए, बार बार आक्रमण हुआ करते थे दिल्ली सल्तनत पर, और इन आक्रमणों से परेशान, ठीक है, लगातार मंगोलों के लगातार आक्रमण की वजह से, मंगोलों के लगातार आक्रमण से परेशान होकर इसने अपनी राजधानी दिल्ली से सिरी स्थानांतरित की या शिफ्ट की। भाई सबसे पहले 1304 ईस्वी में क्या किया इसने, अलाउद्दीन खिलजी मंगोल आक्रमणों से परेशान था और इन मंगोल आक्रमणों से परेशान होकर ही इसने उत्तर भारत में अपनी दिल्ली सल्तनत में ही दिल्ली से निकलकर अपनी राजधानी को कहाँ बनाया, सिरी में बनाया। आपने सुना होगा सिरी का किला बनवाया गया था, ठीक है, तो इसने अपनी कैपिटल कहाँ पर की, सिरी में, ठीक है। सिरी क्या है, एक जगह है जो दिल्ली के अंदर, ठीक है। इसके बाद भाई इसने कुछ प्रसिद्ध स्मारक बनवाए, इसने प्रसिद्ध स्मारक बनवाए, मॉन्यूमेंट्स बनाए, प्रसिद्ध स्मारक इसके द्वारा बनाए गए कौन कौन से, देखिए सबसे पहले तो इसने बनाया अलाई दरवाजा, अलाई दरवाजा जो कहां पर स्थित है, कुतुब मीनार परिसर में ही अलाई दरवाजा स्थित है, और एक इसने बनाई अलाई मीनार। सबसे पहले अलाई दरवाजा, अलाई मीनार, ये जो अलाई मीनार है ये भी कुतुब मीनार परिसर में ही है और इसकी केवल एक ही मंजिल इसने बनवाई, अलाई मीनार, अलाई दरवाजा। इसके बाद सीरी का किला, सीरी का किला, दिल्ली का हौज खास, दिल्ली का ही हौज खास, इसके अलावा चोर मीनार, जमात खाना मस्जिद, भाई प्यारे बच्चों अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई नाम चलाया। देखिए अलाई, अलाई अल्लाह से ही संबंधित है अलाई, और अगर हम बात करें कि मुगल काल में अलाई की जगह इलाही हुआ है, जैसे इलाही के नाम से ही इलाहाबाद बसा जो कि अकबर ने बसाया। देखिए हमें यहाँ पर एक डिफरेंस करना है कि अलाई शब्द दिया है किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने, और इलाही शब्द दिया है किसने, हम देखते हैं यहाँ पर अलाई जो नाम है अलाई ये दिया किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, और अगर बात आती है इलाही, इलाही की बात आती है तो इलाही नाम दिया है किसने, अकबर ने। ठीक है जी, तो अलाई से जब भी आपसे पूछा जाए कि अलाई दरवाजा, अलाई मीनार, चोर मीनार, सीरी का किला, हौज खास, ये सब किसने बनवाए, ये बनवाए हैं अलाउद्दीन खिलजी ने सल्तनत काल में। किसने बनवाए हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने सल्तनत काल में, आपको याद हो गए होंगे अच्छी तरह से। अगर हम बात करें कुछ प्रसिद्ध मोन्यूमेंट, ये प्रसिद्ध मोन्यूमेंट्स थे जो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाए थे,
इसके अलावा एक थी हुलिया, सेना में हुलिया पर था, या हुलिया बनवाना या स्केच बनवाना, ठीक है, और घोड़ा दाग पर था, यानी घोड़ों पर शाही मोहर लगा दी जाती थी गर्म करके, घोड़ा दाग पर था। वो बड़ा अच्छा किस्सा है, ऐसा कहा जाता था कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों का हुलिया जो है वो लिखना शुरू किया, स्केच बनवाना शुरू किया, और साथ ही घोड़ों पर शाही मोहर लगा दी जाती थी ताकि पहचान हो सके कि ये जो घोड़े हैं ये सेना के घोड़े हैं, अलाउद्दीन की सेना के घोड़े हैं। पहले क्या होता था कि उसमें धांधली चला करती थी कि जैसे भाई एक व्यक्ति जो हुआ करता था, जिसके पास सेना हुआ करती थी, जब इंस्पेक्शन हुआ करता था तो वो दूसरी जगह से बंदे बुलाकर उस सेना को पूरा कर लेता था और अपना जो फंड था वो ले लिया करता था। लेकिन इसी बात से परेशान होकर कि भाई कोई भी सैनिक है उसका हुलिया हमारे पास होना चाहिए ताकि हम उसकी पहचान कर सकें, और घोड़ों पर दाग प्रथा या शाही मोहर लगाकर हम क्या कर सकते हैं, उसकी पहचान कर सकते हैं। तो इसलिए इसने घोड़ा दाग प्रथा और हुलिया या स्केच बनवाने की प्रथा जो है इसने लागू की। एक सेकंड होल्ड करेंगे भाई। भाई मुगल पीरियड में भूमि को मापने के लिए, यानी भूमि की जो मपाई हुआ करती थी, वो जो प्रथा है वो सबसे ज़्यादा शेरशाह सूरी की चलती है। जैसे आज हम पढ़ते हैं कनाल है, बिसुआ है, गज हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो शेरशाह सूरी के शासनकाल में सारी डेवलप हुई। लेकिन उससे भी पहले अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भूमि मापन प्रथा जो है वो शुरू की गई। तो भूमि मापन प्रथा शुरू की गई किसमें? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भूमि मापन, और भूमि मापन में बीसवा, जो बीसवा होता है वो प्रथा भी किसने दी? अलाउद्दीन खिलजी ने। भाई जनता के ऊपर दो टैक्स लगाए, दो इंपोर्टेंट टैक्स, टू टैक्स, दो टैक्स लगाए, दो कर लगाए, कौन कौन से? एक तो घरई, एक कहते हैं घरई और दूसरा चरई। देखिए ये जो घरई होता था इसे कहा गया था हाउस टैक्स, घर है घरई, हाउस टैक्स, हाउस टैक्स लेने के लिए इसने घरई लगाया कि प्रत्येक दिल्ली सल्तनत में जितने भी घर हैं उन सभी घरों से हाउस टैक्स लिया जाए। और हाउस टैक्स के बाद इसने एक लगाया चरई, चरई का मतलब जितने मवेशी हुआ करते थे, जितने पशु हुआ करते थे, जिस भूमि में, जिस सरकारी भूमि में वो चरा करते थे, उन सभी से चरई टैक्स भी लिया जाता था। अगर आपसे घरई से पूछे तो ये हो गया आपका हाउस टैक्स, हाउस टैक्स, और चरई से था फीडिंग टैक्स कह सकते हैं हम, या पशु चारण कर। पशु जो चराई किया करते थे, जो भोजन खाया करते थे, जिस भूमि से घास चरा करते थे, उसी को इसने कहा चराई। तो घरई और चराई टैक्स दो नए टैक्स इसने लगाए, और इनको टैक्स को वसूल करने वाला टैक्स कलेक्टर, अगर टैक्स कलेक्टर की बात करें जो टैक्स कलेक्टर हुआ करता उसे कहा मुस्तखराज। मुस्तखराज जो होता था वो इन दोनों टैक्सों को वसूल किया करता था। देखिए आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि बताइए अलाउद्दीन खिलजी ने कौन कौन से टैक्स, नए टैक्स लगाए। उन टैक्सों में एक तो इसका हाउस टैक्स और एक इसका पशुचारण टैक्स जो है वो हुआ करता था, जिसको कलेक्ट किया करता था मुस्तखराज नामक पद, एक पोस्ट बनाई मुस्तखराज, जो इन टैक्सों को वसूल किया करता था। इसके बाद इसी का एक विभाग था, इसी को कहा गया था टैक्स विभाग, टैक्स डिपार्टमेंट, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसके बाद इसके
बाजार जो इसने चार तरह के बाजार जो है वो स्थापित किए थे, फोर टाइप ऑफ मार्केट, चार प्रकार के बाजार इसने स्थापित किए। अगर हम पहले की बात करें तो सबसे पहला था खाद्यान्न बाजार, जहां पर डेली उपभोग की जो वस्तुएं मिलती थी, डेली उपभोग की वस्तुओं को इसने कहा खाद्यान्न बाजार, जहां पर क्या मिलता था डेली। उसके बाद निर्मित वस्तु बाजार। अगर हम तीसरे की बात करें तो तीसरा बाजार था दैनिक या सामान्य वस्तु बाजार। और चौथा बाजार था गुलाम एवं पशु बाजार। भाई चार प्रकार के बाजार अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाए, और ये जो बाजार थे इन बाजारों में मैंने आपको बताया सबसे सख्त, सबसे टिपिकल जो है इसने लगाए, जिसमें खाद्यान्न बाजार, निर्मित वस्तु बाजार, दैनिक या सामान्य वस्तु बाजार और गुलाम एवं पशुओं के बाजार, इसने चार प्रकार के बाजार जो है वो निर्मित कराए। और इन बाजारों में टैक्स वसूल किया करता था, इन बाजारों में पूरी तरह से आतंक था एक तरह से, कि कोई व्यक्ति कम वस्तु नहीं तोल सकता, कोई व्यक्ति किसी प्रकार की कोई धांधलेबाजी, कोई कालाबाजारी नहीं कर सकता, उसके लिए मृत्यु दंड था। तो बाजार जो है इसने ना सिर्फ स्थापित किया बल्कि उनको नियंत्रण किया। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया कि सभी के सभी बाजारों, बाजार के अलग अलग अधिकारी हुआ करते थे जो पूरा कंट्रोल रखा करते थे, ना सिर्फ कंट्रोल रखते थे बल्कि पल पल की अपडेट दिया करते थे अलाउद्दीन खिलजी को। और आपको मैंने बताया कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि ये सारे के सारे अधिकारी जो हैं पूरा नियंत्रण रखा करते थे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी हम समाप्त करते हैं। अगर हम इसकी मृत्यु की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हुई 1316 ईस्वी में ये मर गया, मृत्यु हुई इसकी। भाई जबर के कारण मरा था, उसको बीमारी हो गई थी, बुखार हो गया था बहुत तेज, जिसकी वजह से इसकी मृत्यु हुई। और इसके बाद इसका ही बेटा जो है वो अगला सुल्तान बना, लेकिन केवल 35 दिन के लिए अगला सुल्तान बना, केवल 35 दिन के लिए, जिसका नाम था शिहाबुद्दीन उमर। लेकिन ये 35 दिन बाद इसी के एक सेनापति ने इसको हटा दिया था, और ये जो सेनापति था इसका नाम था मुबारक खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। थोड़ा सा टॉपिक है, करा देता हूँ मैं आपको। भाई इसकी मृत्यु के बाद इसी का बेटा शिहाबुद्दीन उमर 35 दिन के लिए गद्दी पर बैठा, लेकिन इसी के सेनापति ने इसको पद से हटा दिया और स्वयं सुल्तान बन बैठा, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने शासन किया, लेकिन इसी को अनसैन या पागल सुल्तान भी कहा जाता है दिल्ली सल्तनत में, क्योंकि इसने ये कभी कभी दरबार में बिना वस्त्रों के ही आ जाया करता था। अगर हम बात करें तो सबसे पहले कौन बैठा, शिहाबुद्दीन उमर। केवल कितने दिनों के लिए, 35 दिन के लिए, ठीक है जी। इसके बाद इसको गद्दी से हटाया किसने, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जो है वो गद्दी पर बैठा 1316 से 1320 ईस्वी तक, ठीक है जी। और इसी को क्या कहा गया, साइको सुल्तान, इतिहास में इसको साइको सुल्तान कहा गया है। इतिहास में इसको साइको सुल्तान कहा गया है क्योंकि कभी कभी दरबार में निर्वस्त्र ही आ जाया करता था। तो इस तरह के सन की सुल्तान को साइको सुल्तान
कहा गया है। इसके बारे में क्या कहा गया कि कभी कभी महिलाओं के कपड़ों में या निर्वस्त्र ही दरबार में आ जाया करता था। भाई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कौन ऐसा सुल्तान था दिल्ली सल्तनत में जिसको साइको सुल्तान कहा गया है। तो आपको याद रखना है कि खिलजी वंश में ही कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी हुआ है जो साइको सुल्तान कहलाता है दिल्ली सल्तनत का। इसके बाद एक शासक गद्दी पर बैठा जिसे हमने कहा खुसरो शाह, ₹1320 में ही कुछ समय के लिए खुसरो शाह या खुसरो शाह गद्दी पर बैठा 1320 में। भाई चूंकि ये कन्वर्टेड मुसलमान था यानी हिंदू से मुसलमान बनकर बना था ये, और इसको कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने ही अपना सेनापति बना रखा था, अपना वजीर बनाया था। और इस खुसरो शाह जो कि ये कन्वर्टेड मुस्लिम था, पहले हिंदू था बाद में मुस्लिम बना, तो इसका विरोध हुआ यानी दिल्ली सल्तनत में इसका विरोध हुआ। और इसका विरोध जिसने किया वो था गाजी मलिक। इसका विरोध किया गाजी मलिक और उस गाजी मलिक ने ही नारा दिया कि इस्लाम जो है वो खतरे में, क्योंकि एक हिंदू जो है मुसलमान बनकर गद्दी पर बैठ गया। इसीलिए इसी के सल्तनत में ही कौन था गाजी मलिक जो है वो मतलब इक्तदार हुआ करता था। उसे जब पता चला कि दिल्ली की गद्दी पर एक ऐसा सुल्तान बैठ गया है जो कन्वर्टेड मुस्लिम है, हिंदू से मुस्लिम बना है, ऐसे व्यक्ति की वजह से ही इस्लाम खतरे में है नारा दिया किसने, गाजी मलिक ने। और गाजी मलिक ने जब ये नारा दिया, ये वजीर था, इसका ही वजीर था गाजी मलिक, और गाजी मलिक ने नारा दिया इस्लाम खतरे में है। और इसने खुसरो शाह को गद्दी से हटाया, उसकी हत्या की और अगला शासक बना दिल्ली सल्तनत का गाजी मलिक। और यही गाजी मलिक जो है वो तुगलक वंश की स्थापना करेगा। किस नाम से? ग्यासुद्दीन तुगलक के नाम से ये क्या करेगा, तुगलक वंश की स्थापना करेगा। और यहीं पर हम समाप्त करते हैं अपनी खिलजी डायनेस्टी। और खिलजी डायनेस्टी में हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ा, फिर शिहाबुद्दीन उमर आया, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह आया, और उसके बाद खुसरो शाह। हम बिल्कुल आसान से इसको याद कर सकते हैं, 4 से 5 ये सुल्तान हुए खिलजी वंश में, लेकिन सबसे महान सुल्तान हुए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। इन शासकों ने ही शासन को ना सिर्फ उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक बढ़ाया, बल्कि खिलजी वंश के शासन को अच्छी तरह से इन्होंने प्रशासन को भी चलाया। तो प्यारे बच्चों, खिलजी वंश यहीं पर समाप्त होता है, और उम्मीद करता हूँ आप सबको इस टॉपिक को अगर आप पढ़ेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपका, मेरी गारंटी है कि स्किप नहीं होगा। आप इसको 1 से 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखिए, और ना सिर्फ इस वीडियो को देखिए बल्कि इन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, तो हमारा जो है गुलाम वंश में अलाउद्दीन खिलजी अच्छी तरह से टॉपिक हो जाएगा। और आपसे बार बार हम जो भी टॉपिक आपको करा रहे हैं आप इनको करते रहिए, अपने पेपर की तैयारी करते रहिए, क्योंकि ये जो समय है वो जल्द ही जो ये खतरनाक समय है ये समाप्त होगा, और हम फिर से तैयारी कर निकलेंगे और किसी अच्छे एग्जाम को कंडक्ट कर उसमें सफलता हासिल करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से आपका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, और थैंक यू वेरी मच। आप पढ़ते रहिए, जीतते रहिए। थैंक यू।